हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है रिकॉल नॉलेज, जो आपके नॉलेज को रिकॉल कर देगी। अगर इस वीडियो से आपकी नॉलेज को रिकॉल होता है तो हमें एक लाइक ज़रूर दें। हमारी अगली वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें। आज का टॉपिक है लिंग और समाज, या आप इसे नारीवाद भी कह सकते हैं। ये ऐच्छिक में आता है, इसलिए हम इसकी सीरीज लाएंगे। इसका पार्ट 2, 3, 4 भी आएंगे, इसलिए आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। इसका पहला क्वेश्चन है, कैट मिलेट का नाम किस विषय के लेखन कार्य करने में विशेष श्रद्धा से लिया जाता है? इसका उत्तर है नारीवाद विषय लेखन में। इसमें इन्होंने कहा है कि समाज में पुरुषों की अपेक्षा नारी की निम्न स्थिति है, और नारी को निम्न दर्जा देने का कारण स्वयं नारी की शारीरिक रचना है। वह प्रजनन की प्रक्रिया से जुड़ी हुई है, बच्चे को जन्म देना, लालन पालन करना कुछ ऐसे कार्य हैं जो उसके कार्य क्षेत्र को घर तक ही सीमित रखते हैं। इसीलिए वह युद्ध, शासन और सार्वजनिक जीवन में भाग लेने से वंचित रहती हैं। अगला है, नारीत्व शब्द से क्या स्पष्ट होता है? इसका उत्तर है स्त्री और पुरुष में शारीरिक भिन्नता। जब नारीवाद की विचारधारा का उदय हो रहा था तो ये उसकी पहली शाखा है, नारीत्व। सबसे पहले इसी दृष्टिकोण से नारीवाद को देखा गया था, स्त्री और पुरुष में शारीरिक भिन्नता। दूसरा है नारीयता, जो कि मूल्यों पर आधारित है। तीसरा है नारीवाद, जिसमें यह स्वीकार किया गया है कि स्त्री और पुरुष के बीच असमानता को स्वीकार किया गया है, उसके सबलीकरण की प्रक्रिया को बौद्धिक और क्रियात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। नारीयता को हम और अच्छे से समझा देते हैं। नारीयता समाज व संस्कृति के द्वारा एक विशिष्ट निर्माण है, जिसके माध्यम से उसकी परिस्थिति, भूमिका, पहचान, सोच, मूल्य, अपेक्षाओं को गढ़ा जाता है। नारीयता का निर्माण की प्रक्रिया समाज की संस्थाओं, संस्कृति, मूल्य व व्यवहारों तथा रीति, लिखित मौखिक ज्ञान परंपराओं, धार्मिक अनुष्ठानों व नारी अपेक्षित विशिष्ट लक्षण मूल्य से स्थापित हैं। इसका उदाहरण है दहेज प्रथा, वैधव, कौमार्य, आदर्श हिंसा के आयाम नारी की परिस्थिति के नकारात्मक पक्ष को प्रस्तुत करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जॉर्ज रिटजर ने नारीवाद के सिद्धांत को कितने भागों में बांटा है? इसका उत्तर है इनमें से सभी। जॉर्ज रिटजर के नारीवाद के 3 सिद्धांत हैं। पहला है लिंग असमानता का सिद्धांत, जिसकी 2 शाखाएं हैं, उदारतावादी सिद्धांत, मार्क्सवादी सिद्धांत। दूसरा है लिंग विभेद संबंधी सिद्धांत, इसकी कोई शाखा नहीं है या इंडिविजुअल है। लिंग उत्पीड़न सिद्धांत के 3 शाखाएं हैं, मनोविश्लेषणात्मक नारीवाद सिद्धांत, उग्र उन्मूलन नारीवाद सिद्धांत, समाजवादी नारीवाद सिद्धांत। कि उन्मूलन का मतलब होता है समस्या का निवारण। लिंग विभेद संबंधी सिद्धांत ये इंडिविजुअल है, इसकी कोई शाखा नहीं है। इसके समर्थक बेकर, मिलर, बर्निंग, कोव, गिलगलिन, केसलर, मैकेना, रूडिक तथा स्नेटोव आदि प्रमुख हैं। इसमें नारी का आंतरिक मानसिक जीवन पुरुष से भिन्न है, ये माना जाता है। उदाहरण के तौर पर एक स्त्री का अपने बच्चे के प्रति जो लगाव, स्नेह, प्रेम, करुणा भाव रहता है, वही पुरुषों का अपने बच्चों के प्रति स्नेह करुणा भाव अलग तरीके का रहता है। स्त्री और पुरुष अपने जीवन में अलग अलग अनुभव करते हैं। स्त्री अपने संतानों से अपने आप को पुरुष की तुलना से भिन्न रूप से जोड़ती है। लड़के व लड़कियों के खेल के तरीके भिन्न भिन्न होते हैं। युवा महिला परस्पर एक दूसरे को भिन्न प्रकार से जोड़ती है तथा नारी संबंधी विषय का वे भिन्न प्रकार से अध्ययन करती है, जो पुरुष की आंतरिक मानसिक जीवन से अलग है। स्त्रियों का मानसिक आंतरिक जीवन इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है। इसमें उत्पीड़न, शोषण का कहीं जिक्र नहीं किया गया है।
लिंग असमानता सिद्धांत, इसमें इसकी दो शाखाएं उदारतावादी सिद्धांत और मार्क्सवादी सिद्धांत। उदारतावादी सिद्धांत प्रजातिवाद की भांति यौनवाद भी पूर्वाग्रह एवं भेदभाव पर आधारित है, जो यह मानते हैं कि स्त्री व पुरुष में नरसांगिक अंतर पाया जाता है। यह अंतर उनके सामाजिक भाग्य के अनुरूप मिलता है उनको। उदाहरण के तौर पर जब एक स्त्री और पुरुष वैवाहिक जीवन में प्रवेश करते हैं तो स्त्री की तुलना में पुरुष की शक्ति ज़्यादा होती है, चाहे वह निर्णय लेने में हो या सार्वजनिक क्षेत्र में जाने पे हो या धन कमाने पे हो, किसी भी प्रकार की शक्ति पुरुषों में ज़्यादा होती है। इसके अलावा ये लिंग समानता की बात करता है, इसके लिए वह राजनैतिक एवं वैधानिक साधन की वकालत करते हैं। ये विचारधारा ये बताती है कि लिंग व्यवस्था वह है जिसमें व्यक्ति को अपनी जीवन शैली का चयन करने की स्वतंत्रता होती है। उसे यह स्वतंत्रता होती है कि वह विवाह करे या ना करे, बच्चा पैदा करे या ना करे, वह समलैंगिक रहे या विषमलैंगिक रहे। इसके लिए वह राजनैतिक एवं वैधानिक साधन की वकालत करती है। ये शिक्षा, राष्ट्रीयता, आर्थिक, व्यवहारिक, मातृत्व एवं पितृत्व क्षेत्र में समानता चाहती है। सिद्धांत मार्क्सवाद सिद्धांत नारीवाद के प्रतिपादक मार्क्स एवं एंजल्स हैं। इन्होंने द ओरिजिन्स ऑफ द फैमिली प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट, जो कि एंजल्स की पुस्तक है, इसमें इन्होंने कहा कि नारी की अधीनता का आधार परिवार है, क्योंकि पितृसत्तात्मक परिवारों में वंश एवं उत्तराधिकार का निर्धारण पिता के पक्ष से होता है। इसमें पिता की सत्ता सर्वोपरि होती है और पत्नी की अपेक्षा की जाती है कि वह केवल एक ही पुरुष अर्थात पति से यौन संबंध रखे। दोहरा मापदंड पुरुषों को यौन स्वतंत्रता प्रदान करता है। इस प्रकार से परिवार संस्था स्त्री को घर से बाहर कार्य करने एवं आर्थिक स्वलंबन की स्वीकृति नहीं देती। इस प्रकार से स्त्री अपने पतियों की संपत्ति होती है। इन्होंने बताया कि पहले मातृवंशी में सत्ता माँ के पास होती थी, इसमें स्त्री की सत्ता पुरुष से स्वतंत्र थी तथा समाज भी उसे शक्तिशाली बनाता था। इस प्रकार की वंश व्यवस्था शिकार करने तक ही संकल्पशील में शामिल थी, किंतु यह व्यवस्था तब नष्ट हो गई जब शिकार करने एवं संकल्पशील अर्थव्यवस्था का स्थान पशुकरण एवं कृषि व्यवस्था ने ले लिया। इसके साथ ही संपत्ति का प्रादुर्भाव हुआ तथा स्त्री लिंग की ऐतिहासिक हार हुई। उत्पादन के उपकरणों एवं स्रोतों पर पुरुष का स्वामित्व कायम हुआ। उसने स्वयं शक्ति के रूप में दास, बच्चों और स्त्रियों को अपने कार्यों में लिया था। तब से ही श्रम का शोषण विकसित हुआ और पहले परिवार का प्रारंभ हुआ था। अगला परिप्रेक्ष्य लिंग उत्पीड़न के सिद्धांत, जिसकी तीन शाखा हैं, मनोविष्णु रचनात्मक नारीवाद सिद्धांत। इसके प्रमुख विचारक हैं फ्रेयार्ड जी। फ्रेयार्ड स्वयं पितृतंत्र को मानने वाले थे। फ्रेयार्ड ने लिंग भेद और लिंग असमानता को तो स्वीकार किया है, किंतु वे लिंग उत्पीड़न को स्वीकार नहीं करते हैं। फ्रेयार्ड नारी को द्वितीय वर्ग का मानव प्राणी मानते हैं, जिसकी मानसिक प्रकृति ही ऐसी होती है जो उसे पुरुष की तुलना में हीन बनाती है। मनोविश्लेषणात्मक नारीवाद सिद्धांत को बताने के लिए इन्होंने दो पॉइंट दिए हैं, मृत्यु का भय तथा बच्चों के व्यक्तित्व का निर्माण करने वाला सामाजिक भावनात्मक पर्यावरण। इसमें पहला है मृत्यु का भय। मृत्यु का भय यह बताता है कि पुरुष स्त्री के बिना अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकता है, क्योंकि नारी का संबंध नए जीवन को जन्म देने एवं लालन पालन से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। पुरुष कई प्रकार से उपाय खोजते हैं जिससे वह नारी को अपने आधिपत्य में ले सके। वह कलाकृतियों, संपत्तियों और
हथियारों, विज्ञान, धर्म का निर्माण करते हैं जिससे वह नारी पर नियंत्रण रख सके, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह नारी के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं और उन्हें अपना सत्ता खोने का भी डर रहता है। इसमें अगला पक्ष है बच्चों के व्यक्तित्व का निर्माण करने वाला सामाजिक और भावनात्मक पर्यावरण। इसमें इन्होंने बताया है कि बच्चा जब छोटा होता है तो वह अपने भावनात्मक अनुभव का सहारा लेता है क्योंकि वो बोल नहीं पाता। वो भावनाएं रहती हैं डर, प्रेम, घृणा, क्रोध, हानि, इच्छा, जो उसे अपनी माँ से प्राप्त होती हैं। शिशु अवस्था से ये भावनाएं उसके अचेतन मन में मौजूद रहती हैं। पुरुष शिशु जब व्यस्क होता है तब वह ऐसी स्त्री की खोज करता है जो उसे वही भावनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, उसे नियंत्रण में रख सके। इस प्रकार से नारीवाद मनोविश्लेषणात्मक नारी के दमन को पुरुष द्वारा नारी को नियंत्रित करने और उससे भावनात्मक आवश्यकता की पूर्ति करने वाली रूप में विश्लेषित करते हैं। उग्रवादी उन्मूलन नारीवाद सिद्धांत ये नारी के उत्पीड़न के प्रति गहरा दुख व्यक्त करते हैं। उग्रवाद उन्मूलन नारीवाद सिद्धांत का उत्पीड़न को सभी समाजों की विशेषता मानते हैं। उनके अनुसार समाज की प्रत्येक संस्था में इस प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है। यह परिपेक्ष स्त्रियों के अपराधों का ब्यौरा देता है। उग्र उन्मूलन नारीवाद पितृतंत्र की समाप्ति के कुछ उपाय भी बताती है, जैसे नारी में जागृति पैदा की जाए जिससे कि वह अपने मूल्य एवं शक्ति को समझ सके, उसे कमजोर, पराश्रित एवं दूसरे दर्जे के सदस्य के रूप में मानने के लिए डाले गए पितृतंत्र दबाव को नकार सके। समाजवाद नारीवाद सिद्धांत मानते हैं कि नारी एवं पुरुष दोनों के द्वारा किए गए सभी प्रकार के उत्पीड़न का अनुभव बताती है ये परिपेक्ष। बाकी इस परिपेक्ष में स्त्री किस प्रकार स्त्री के शोषण में शामिल है ये उस पे भी ध्यान देता है। उदाहरण के तौर पर एक स्त्री जिसकी शादी होने वाली रहती है उसकी सास उससे किस प्रकार दहेज की मांग करती है ये उसका भी अध्ययन करता है। धरती पर अधिकार के लिए उत्तराधिकार एवं देह पर अधिकार के लिए विवाह संस्था अनिवार्य हो गई है यह किसने कहा है? इसका उत्तर है अरविंद जैन जी ने कहा है। सभी सामाजिक बंधन, रीति रिवाज, रूढ़ियां, परंपराएं आदि किसके लिए बनाई गई हैं? इसका उत्तर है महिलाओं के लिए। बाकी पुरुषों के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बनाई गई है कि वो सती प्रथा, जैसे मान लीजिए क्या कोई पुरुष आज तक किसी औरत के लिए अग्नि में कूदा है, किसी ने अपनी जान दी, ऐसी कोई व्यवस्था तो नहीं बनाई गई है। बाकी पुरुषों के लिए और संस्कार है और महिलाओं के लिए एक ही संस्कार विवाह संस्कार क्यों है, ऐसे कोई ऑब्जेक्शन उठाता ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है निजी व सार्वजनिक द्विभाजन किसे कहते हैं? इसका उत्तर है उपयुक्त सभी कार्य क्षेत्र में। महिला पुरुष के वेतन में असमानता भी होती है। निर्णय लेने की क्षमता, जब संयुक्त परिवार में स्त्रियों को निर्णय लेने की क्षमता उनकी नहीं रहती है, उनको निर्णय लेने नहीं दिया जाता है, पुरुष ही निर्णय लेते हैं। समाज में हिंदू परिवार की स्थिति कैसी है? प्रथा एवं परंपराएं महत्वपूर्ण होती हैं। प्रचलित है संयुक्त परिवार जहां पे स्त्रियों को निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है। परिवार का जाति व्यवस्था पर निर्भर होना करण की प्रकृति। स्त्री और पुरुष को बचपन में ही यह सिखा दिया जाता है कि उनकी समाज में क्या भूमिका रहेगी, इसलिए पुरुषों को अपना करियर चुनने के हकदार होते हैं, जबकि समाज में महिलाओं के लिए सब कुछ पहले से निश्चित कर दिया जाता है। यदि स्त्री अपना करियर क्षेत्र चुन लेती है तब तो ठीक है, अगर नहीं चुनती है तो उसके लिए एक ही ऑप्शन बचता है, वो है विवाह। समाजीकरण की दृष्टि से नारी की भूमिका। समाजीकरण जब उनका होता है तो समाज से उनके व्यवहार के कुछ ऐसे गुणों की आशा होती है कि महिलाओं में
सहनशीलता, समर्पण, परोपकारिता आदि जैसे गुण अवश्य होने चाहिए। पुरुष ही वंश चलाते हैं, इसका ये सबसे बड़ा पैमाना है। द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में यह देखा गया कि 19 सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों में बेटे को प्राथमिकता दी जाती है। विधवा होना भी एक सामाजिक अभिशाप से कम नहीं है। सोच में थोड़ा बहुत बदलाव के बावजूद भी विधवाओं की दशा हमारे समाज में बदनुमा दाग की तरह है। यह महिलाओं का सबसे बड़ा शोषण है। आगे बढ़ते हैं। पुरुष प्रधान समाज की हानिकारक स्थिति क्या है? बलात्कार, घरेलू हिंसा, तेजाब छिड़कना या उपयुक्त सभी? इसका उत्तर है उपयुक्त सभी। बलात्कार, तेजाब छिड़कना और घरेलू हिंसा, ये सब पुरुष प्रधान समाज की हानिकारक स्थिति हैं। मानव मात्र में बाह्य जैव इंद्रियों के अंतर किस प्रकार के भेद में आते हैं? वो है जैविक। लिंग भेद का विचार किस प्रकार के भेद में शामिल किया जाता है? ये है सामाजिक व सांस्कृतिक। हमें समाज में गरीबी पर विजय प्राप्त करनी है तो यहाँ से असमानता को हटाना होगा। हमारे देश में प्रतिस्पर्धात्मक एवं रूढ़िवादिता होने के कारण महिलाओं के साथ प्रत्येक क्षेत्र में असमानतापूर्ण व्यवहार किया जाता है। यह कथन किसका है? यह कथन गुरनार मुडाल का है। निम्नलिखित में से किस नारीवाद विद्वान ने यह वक्तव्य दिया कि नारी पैदा नहीं होती बल्कि बना दी जाती है? इसका पहला ऑप्शन सही है, सिमोनो डी बुआर ने। मानव मस्तिष्क की तीन प्रक्रियाओं में अचेतन प्रक्रिया, अवचेतन प्रक्रिया तथा चेतन प्रक्रिया की चर्चा हुई है। किस विद्वान ने इसकी चर्चा की है? इसका उत्तर है फ्रेयार्ट। हम आपको बता चुके हैं, इन्होंने नारीवाद का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया है। आप चाहें तो इस ग्राफ की स्क्रीनशॉट लेके इसका नोट्स भी बना सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में मनाया जाता है? इसका उत्तर है 1975। संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस दशक को अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक के रूप में घोषित किया है? इसका उत्तर है 1975 से 1985। अगला है महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में मनाया जाता है वर्ष 2001। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। हमारे देश में प्रतिवर्ष किस दिन को महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका उत्तर है 8 मार्च। दुनिया में सबसे अधिक योग्य पेशेवर औरत कहाँ है? तो वो है भारत में। भारत में औरतों के अधिकार की रक्षा के लिए कौन सा आयोग है? तो इसका उत्तर है राष्ट्रीय महिला आयोग। औरतों के विकास एवं उनके लिए नीति निर्धारण का कार्य कौन करता है? इसका उत्तर है वुमेन काउंसिल। इंग्लैंड के स्टुअर्ट मिल की पुस्तक का क्या नाम है? इसका उत्तर है द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे जल्दी मुलाकात करेंगे अगली वीडियो के लिए। अगर इस वीडियो से आपके नॉलेज को रिकॉल होता है तो हमें एक लाइक ज़रूर दें। हमारी अगली वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें।